अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज मैं दाल फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कम समय में, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मूंग दाल ली है, उसे अच्छे से धो देना है। धो के प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब इसमें हमें पानी डालना है, तो पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो प्रेशर कुकर में जब प्रेशर आएगा तो पानी बाहर निकलने लगता है। नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। अब प्रेशर कुकर का लीड को बंद नहीं करेंगे, बस इसी तरह से ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद जब बॉईल आएगा तो खोलेंगे, देखिए ये झाग सा निकला है, इसे निकाल देना है, इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है दाल का। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, चला देंगे और प्रेशर कुकर का लीड लगा के एक प्रेशर आने देंगे। एक प्रेशर में मूँग दाल गल जाता है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च और एक प्याज को बारीक कट करके इसमें डाल देना है और इसे फ्राई करना है कंटिन्यू चला चला के। फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसे फ्राई करना है, देखिए कंटिन्यू चला के। फ्रेंड्स बहुत ही कम समय में बन जाता है। इसमें हींग डाल देंगे, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एक टमाटर रफली चॉप करके डाल देना है, देखिए इस तरीके से। अब कुछ पाउडर मसाला डालेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। एक साइड हमने दाल गला लिया था, देखिए एक प्रेशर में दाल अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी गर्म करके डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जितना आपको दाल, जितना गाढ़ा या पतला जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए। मैंने एक गिलास के लगभग पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाला हमारा रेडी है, तो उसमें हमें अब वो दाल जो गला के हमने रखा था इसमें पलट देना है, तो सारा दाल को इसमें डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना जल्दी बन गया ना। अब ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो इस प्रोसेस से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दाल फ्राई की रेसिपी कैसे लगी। हरा धनिया डाल देंगे, नमक इसमें कम लग रहा था तो नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें हमें तड़का लगाना है। आप चाहे तो इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट होटल वगैरह में जो दाल फ्राई मिलता है उसमें घी का तड़का लग के जो मिलता है, तो वो स्टेप भी हम करते हैं क्योंकि हमें रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई बना रहे हैं। तो चलिए तड़का लगाने के लिए देसी घी ले लेंगे एक पैन में। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, दो तीन सूखा हुआ लाल मिर्च डाल देना है। आप चाहे तो हींग यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मसाला में हींग इस्तेमाल कर दिया था। अब यहाँ डाल देंगे, तड़का लगा दें, हमारा टेस्टी हेल्दी दाल फ्राई बनके रेडी हो गया। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजी है ना बनाना और कितना जल्दी से बन गया। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।